हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने। ये आप नवरात्रि व्रत में भी बना सकते हैं। इसके लिए हम एक गिलास काले चने ले लेंगे। चनों को 2 से 3 बार अच्छे से पानी में धोएंगे। इसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे भिगोकर रख देंगे। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए कुकर में हम चने डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी चनों से 1 इंच ऊपर हो। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और 1 पिंच मीठा सोडा डालकर चनों को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। हम इसे इस तरह हाथ से तोड़कर देखेंगे, ये अच्छे से टूट रहे हैं। इतना हमने चनों को बॉईल करना है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डालने से चनों में टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। जीरे के अच्छे से चटकने तक हम इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए अदरक और हरी मिर्च को हम पकाएंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है। मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम टमाटर को ऐसे ही भुनने देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालें, चनों को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाला हमारा अच्छे से कुक ना हो जाए, ऑयल मसाले से अलग ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। ऑयल भी मसाले से अलग होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें चने और पानी डाल देंगे। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें बॉईल करेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारा चनों का सारा सूख गया है। लगभग 90% तक हमारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें हाथ पर क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हम चनों को ऐसे ही पकने देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। काले चने तो फ्रेंड्स आप बनाते ही होंगे। एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके काले चने बना लेंगे तो बार बार इसी स्टाइल से बनाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम मसालों के साथ चनों को ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया काले चने हमारे बनकर रेडी हैं। आप इसे नवरात्रि में भी बना सकते हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियों के साथ सर्व करेंगे। फूली फूली पूड़ियों की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ तो फ्रेंड्स, काले चने की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।